बड़ी बात है, लेकिन आपसे पूछता हूँ दोस्तों पे खर्चा करने वालों, जब ये तुम ही घर पे आते हो और पता चलता है कि अब्बा बीमार है, अम्मी बीमार है, तो एक भाई दूसरे को कहते हैं, क्या तेरा बाप नहीं है तू नहीं खर्चा कर सकता, क्या तेरी माँ नहीं है तू नहीं खर्चा कर सकता। आपसे पूछता हूँ, वहां तो हर बंदा जेब में हाथ डाल रहा था दोस्तों पे खर्चा करने के लिए, और यहाँ एक दूसरे से लड़ रहे हो तू खर्चा कर तू खर्चा कर तू खर्चा कर। सुन लो, ये भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है, लोग दोस्तों पे खर्च करेंगे, माँ बाप के लिए दिल छोटा करेंगे, ये कयामत की निशानियों में से निशानी है। और याद रखना, कुछ भी बन जाओ, अगर माँ बाप राजी नहीं तो अल्लाह भी राजी नहीं है। माँ बाप को छोड़कर खुदा को मनाने की फिक्र करने वालों, धोखे में हो, निरे धोखे में हो। मैं तो लोगों को कहता हूँ, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लगती है, लेकिन मुझे बुरा लगने अच्छे लगने का कोई ख्याल नहीं होता। मैं जो हक कहूं, जो हक को समझता हूं, वो कह देता हूं, और मुझसे गलती भी हो सकती है, इंसान हूं, तो मेरे उलमा मेरी पुश्त पर मौजूद है इस्लाह के लिए। बड़ी माजरत के साथ मुलोब उलमा का हाथ चुमने के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं, धक्का देते हैं, सैयदों का हाथ चुमने के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं, धक्का देते हैं, पीरों का हाथ चुमने के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं, धक्का देते हैं। बहुत प्यार है, नजराने पेश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं मना नहीं करता, सबकी अजमत सराखों पर, लेकिन पीरों का, सैयदों का, उलमा का, इमामों का हाथ चूमने वालों, क्या कभी घर में अपने अब्बा का भी हाथ चूमते हो, या कभी घर में अपनी अम्मी का भी हाथ चूमते हो? अगर वहां हाथ नहीं चूमते तो बड़ी माजरत के साथ यहां चूमना काम नहीं आएगा। अरे यहां तो हजारों लोग हैं मेरे भाई, वो तू अपने माँ बाप के लिए अकेला और तन्हा है, आप सोचो तो सही, अरे उस बाप का सीना खुशी से कितना फूलता होगा जिसका बेटा लोगों के सामने उसके बाप के हाथ चूमता होगा, उस माँ के सीने में किस कदर खुशी की लहरें मौजे मारती होगी जिसका बेटा अपनी माँ के हाथ चूमता होगा। याद रखना, मैं सच्ची सच्ची बात बताने के लिए आया हूं आपको, सुन लो, अगर मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूं, कोई गारंटी नहीं है कि अल्लाह कबूल करे, मेरा अल्लाह बेनियाज है, चाहे कबूल करे चाहे रद्द करे। ये उलमा, ये अल्लाह वाले लोग अगर तुम्हारे लिए दुआ करे, ज्यादातर तो कबूलियत ही की उम्मीद है, लेकिन वो अल्लाह अल्लाह है, अगर वो चाहे तो रद्द भी कर सकता है। मेरे अजीज, हर दुआ रद्द हो सकती है तुम्हारे हक में की जाने वाली। तुम्हारा इमाम दुआ करे, तुम्हारा पीर दुआ करे, तुम्हारा पड़ोसी दुआ करे, तुम्हारा दोस्त दुआ करे, अगर अल्लाह चाहे कबूल करे, वो अल्लाह है जिसका चाहता है कबूल करता है, जिसका चाहता है रद्द करता है। मगर याद रखना, एक ऐसी गारंटेड दुआ है, ऐसी अजीम दुआ है कि वो होती है तो कभी रद्द नहीं होती। वो कौन सी दुआ है? मेरे या तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया, वो तुम्हारे माँ बाप की दुआ है। जब औलाद के हक में माँ बाप दुआ करते हैं तो अल्लाह उस दुआ को कभी रद्द नहीं करता। ऐसी मकबूल दुआएं छोड़कर, अल्लाह अकबर, आप हमारे पीछे पड़े हो। यकीनन उलमा से दुआ लेना चाहिए, मशायख से दुआ लेना मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले अपने घर में ले। तेरी जन्नत तेरे घर में, मेरे भाई, तेरी जन्नत तेरे घर में। माँ बाप को राजी करो। एक मरतबा किसी ने पूछा, आका ये बताएं कि अल्लाह राजी है नाराज है, कैसे पता करें? तो मेरे आका फरमाते हैं कि अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी है, अल्लाह भी राजी है, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। इसलिए जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा, शबे बरात में उसकी मगफिरत नहीं होती। आप तो पूरा चार्ट लेकर बैठे, सलातुल तस्बीह पढ़ ली है, कलमा शरीफ पढ़ लिया है, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, जो पढ़ते उनकी बात करता हूँ, आज तो मेरी कौम पढ़ती भी नहीं। शबे बरात का मतलब पटाखे फोड़ना, शबे बरात का मतलब रात भर जागना, रात भर जागने की रात समझते लोग, भाई जागने की रात नहीं है, वो इबादत की रात है। हाँ, जागने और इबादत में फर्क है, इबादत की रात है वो। जाग तो इंसान होटल में बैठ के भी गुजार सकता है, इंसान जाग तो खेल कूद कर भी गुजार सकता है, तो वो इबादत की रात है, इबादत करो। तो जो नहीं करते उनका तो ठिकाना नहीं, जो करते उनसे कह रहा हूं, पहले ये करो, माँ बाप को राजी करो, पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। एक बात याद आई, फिर बात आगे बढ़ती है, अगर कोई माँ बाप की नाफरमानी करके काबतुल्ला भी जाए तो भी अल्लाह उससे राजी नहीं होता। आजकल लोग माँ बाप को छोड़कर पसंद की शादियां कर रहे हैं, कहते तुम्हें क्या समझता, तुम तो बुढ़े हो गए, तुम्हें तो कुछ समझते ही नहीं। वो जिसने पैदा किया, तरबियत की, पूरा शबाब कुर्बान कर दिया, जवान बेटा अपने बाप को कहता तुझे क्या समझता। हंसने की बात नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ होती है
जब मेरी कौम इस्लाह की बात सुन करके, इसका मतलब उन्हें ये ख्याल है कि उन्होंने दिल पे लेना ही नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है, ये एहतसाब और रोने का मकाम है कि अगर माँ बाप को छोड़कर काबतुल्ला जाओ तो भी अल्लाह ना मिले और अल्लाह नाराज हो। इस सिलसिले में फकीह अबू लैस समरकंदी ने एक हिकायत लिखी है, उसको सुने दिल के काम। एक अल्लाह के वली थे, वली की बात कर लो, मेरी आपकी बात नहीं, अल्लाह के वली थे, माँ के पास आए, अम्मी मुझे बहुत याद आती है काबतुल्ला की उम्रा के लिए जाना है। माँ ने कहा बेटा तू मेरा इकलौता बेटा है, तू उम्रा के लिए जाएगा तो मेरी खिदमत कौन करेगा, नहीं जाना, नहीं जाना उम्रा के लिए। इन्होंने सोचा अम्मी तो अम्मी है, कह रही नहीं जाना उम्रा के लिए तो जा रहा हूँ, काबतुल्ला तो जा रहा हूँ, तवाफ के लिए तो जा रहा हूँ, इबादत के लिए तो जा रहा हूँ, अम्मी की नाफरमानी करके जाऊंगा तो होना क्या है। उन्होंने माँ की बात नहीं मानी, प्लान किया, क्या प्लान किया सुनो, प्लान ये किया कि दिन भर सफर करूंगा, रात भर नफिल पढ़ूंगा, इस तरह काबे जाऊंगा। दिन भर सफर किया, रात को एक गांव में पहुंचे, वहां नफिल शुरू की, रात को माँ को हाजत पेश आई अपने बेटे की, फरमाया ओ फलां, आवाज नहीं आई, ओ फलां आवाज नहीं आई, ओ फलां आवाज नहीं आई। तो माँ तो माँ हो, जिसको प्यार होता है उसका दिल भी बड़ा नाजुक होता है, दिल बड़ा नाजुक होता है, आईना भी तो कुछ ताकत रखता है, शीशा भी तो कुछ ताकत रखता है, उससे बहुत कमजोर होता है दिल। गालिब ने कहा था दिल ही तो है ना संगे खश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें हंसाए क्यों, दिल बड़ा नाजुक होता है। माँ ने तीन बार पुकारा बेटे को, जवाब नहीं आया। अच्छा मेरे मना के बाद भी तू काबा पहुंचा, माँ की ममता थी ना, मेरे मना के बाद भी तू काबा गया। फिर नजर उठी और ममता भरे दिल की आ निकली, मौला मेरे मना करने पर भी काबा गया है, काबे तक पहुंचने ना पाए। याद बद्दुआ तो यूं भी किसी की भी होती है तो बहुत तबाह कर, मेरे आका अली सलाम फरमाते मजलूम की बद्दुआ से बचो, कि अल्लाह और मजलूम की बद्दुआ के दरमियान कोई पर्दा होता ही नहीं है, बद्दुआ तो किसी के भी तबाह करने वाली होती। जिंदगी में कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेना, हो सके तो जानवरों की भी बद्दुआ मत लेना, जानवरों को भी सताने से बचना, ये अपने मजहब की तालीम। अगर गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो और कुत्ता मर के पड़ा है तो उस मरे हुए कुत्ते पर भी गाड़ी चलाने से बचना, कोशिश ये करना। हाँ अगर अल्लाह ना करे कि अर्जेंट ब्रेक लगाने पर हादसे का अंदेशा हो तो फिर अलग बात है, फिर चले जाना, क्योंकि छोटी मुसीबत और बड़ी मुसीबत आए तो फिर छोटी को कबूल करके बड़ी से बचने की कोशिश कर, लेकिन अगर बच सकते तो बच लो, मगर ऐसा मत करना कि कुत्ते मरे हुए कुत्ते को बचाने के लिए खुद मर जाओ, ये ना करना। लेकिन अगर बच सकते हो तो उस पर चलो। लोग क्या करते हैं, जानवर मर के पड़ा उसको हटाने की वजह लोग उसी पर चलते हैं और उस पर इतना चलते हैं कि उसका किस्सा ही क्या हो जाता है वो आप नजर से देखते हैं। इसका भी ख्याल, अपना मजहब सिर्फ तस्वीर मुसल्ले का नाम नहीं है, अपना मजहब ये भी सिखाता है कि मरे हुए कुत्ते पर बाइक भी ना चला, तवज्जो है आपकी, मरे हुए कुत्ते पर ट्रक भी ना चलाओ, मरे हुए कुत्ते पर गाड़ी भी ना चलाओ। आप अंदाजा करें जो मरे हुए कुत्ते का इतना ख्याल देता है वो इंसानों का कितना ख्याल देता है, अंदाजा तो करें। ये अपने मजहब का हुस्न, लोग बकरे अपने मजहब के खिलाफ बकने दो, ये सियासत है, लेकिन सच्चाई ये है कि मजहब इस्लाम की तरह हुस्न वाला ना कोई मजहब था, ना है, ना कभी हो सकता है, इसलिए कि ये मजहब अल्लाह का नाजिल करता है, इसकी तालीम का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। लेकिन हम इस तालीम से गाफिल हो गए, हम इस तालीम से नावाकिफ हो गए। तो माँ की आह निकली, मेरी नाफरमानी करके काबा गया है, काबे तक पहुंचने न पाए। वो रात को मस्जिद में इबादत में मसरूफ थे, अल्लाह के वली थे, इन माँ की बद्दुआ थी, माँ तो माँ थी। बेशुमार नौजवान ऐसे हैं जो कलकत्ता जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, सऊदी जाते हैं और ससुराल में फोन करेंगे, बीवी को फोन करेंगे, बच्चों को, माँ बाप बूढ़े इंतजार करते हैं कभी बेटे का फोन तो आए, लेकिन बेटे का फोन नहीं आता है।
भर इसके उसके पास बैठे रहेंगे बच्चे नौजवान, माँ बाप इंतजार करते मेरा बेटा मेरे पास आधा घंटा आकर बैठे तो सही, नहीं आते, नहीं बैठते। अरे उनको कितनी खुशी होती है जब आप अपने माँ बाप के पास बैठते हो तो उनको बहुत खुशी होती है। बचपन में जो खुशी आपको बाप से मिलकर होती थी, बुढ़ापे में वो खुशी बाप को औलाद से मिलकर होती है। आप बचपन में अपने माँ बाप की जितनी जरूरत महसूस करते थे, बुढ़ापे में हमारे माँ बाप उससे ज्यादा हमारी जरूरत महसूस करते हैं। उन्हें टाइम दो, उनके पास बैठो। किसी खूबसूरत चेहरे को देखकर वो सवाब नहीं मिल सकता, जो माँ बाप का झुर्री पड़ा हुआ चेहरा देखने से सवाब मिलता है। उसे मेरे आका फरमाते हैं मकबूल हज का सवाब है उसके अंदर। तो अल्लाह अकबर, माँ ने कहा काबे तक पहुंचने ना पाए, मेरी नाफरमानी करके गया। क्या हुआ? वो इबादत में थे, सजदे में थे, उस गांव में चोर आ गए। चोर आए, चोरी करके भागने लगे, पकड़ा गए। पूरा गांव उनके पीछे उठ करके भागा, पकड़ो चोर 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 चोर। चोर मस्जिद की गली में घुस करके पता नहीं कहां गायब हो गया, पता नहीं कहां गुम हो गया। अब उसका गुम होना था, लोगों को यूं लगा कि वो मस्जिद में गया। जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कोई सजदे में रो रहा है, तो जैसे ही चिराग जलाया तो देखा अजनबी आदमी। पकड़ा का धोखेबाज मक्कार, चोरी करता है और पकड़े जाने पे सजदे को बदनाम करता है। उठा के लाए, खूब मारा, खूब पिटाई की। सुबह काजी के हवाले किया, काजी से बादशाह ने कहा उस चोर के बारे में क्या फैसला है आपका, जो चोरी करे और जब पकड़ा जाए तो सजदा बदनाम करे। काजी ने फैसला किया इसके हाथ काटो, पैर काटो, इसकी आंखें निकाल लो। हाथ काटा गया, पैर काटा गया, आंखें निकाल ली गई। फिर काजी ने ऐलान किया ये उस चोर की सजा है। तवज्जो करना, ये उस चोर की सजा है जो चोरी करने आता है, पकड़े जाने पे सजदा बदनाम करता है, ये उस चोर की सजा है। उस वक्त उस बुजुर्ग ने रोके, कहा काजी साहब ये ऐलान करो ये उस नाफरमान बेटे की सजा है जो माँ की नाफरमानी करने करते हुए काबा जा रहा था, अल्लाह ने उसका ये अंजाम किया। जबान के जुमले पर असर निकले, सब रो पड़े। आप कौन है? मैं फूला हूँ। अरे ये तो हमारे पड़ोस के गांव के बहुत बड़े पीर है, वली है। लोगों को लगा अगर लोगों को वहां के लोगों को पता चला तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे गांव की ईंट से ईंट बजा दे। उन्होंने चुपके से मंसूबा बनाया, आने वाली रात में इसको उठा करके इसके गाँव में चुपके से डाल के आएंगे, पता नहीं चलेगा। गए रात को डाला, डालने के बाद माँ को फिर दूसरी रात बेटे की याद आई। माँ माँ होती है, किसी के सीने में इतना ममता भरा दिल नहीं है जितना माँ के सीने में ममता भरा दिल है। मेरे अजीज, मेरी कौम के जवानों, अगर माँ मुर्गी हो तो अपने चूजों से इतना प्यार करती है, मुर्गी हो करके चूजों से इतना प्यार करती है। माँ अगर अशरफुल मखलूकात हो तो अपनी औलाद से कितना प्यार करती होगी। लेकिन हम बेवफा हैं, किस किस के साथ बेवफाई की, कहाँ कहाँ तक बेवफाई करेंगे। अल्लाह अकबर, माँ की ममता थी। रात की तारीकी में माँ ने हाथ उठाए, ए अल्लाह कल मैंने बद्दुआ तो कर दी थी अपने बेटे के लिए, लेकिन मौला अब बेटे की याद आती है, ए अल्लाह एक बार मरने से पहले मेरे बेटे को मुझसे मिला दे। मौला इतना कहना था मुझसे मिला दे। इनको वहां लाके डाला, भूख लगी हुई थी, इन्होंने आवाज लगाई, है कोई मजलूम को भीख देने वाला, खाना खिलाने वाला है कोई? जानी पहचानी आवाज थी लेकिन अंदाजा नहीं था। इनकी अम्मी ने कहा, ओ भीख मांगने वाले भिखारी जरा करीब आ ताकि मैं तुझे भीख अता करूं। उसने इन्होंने कहा, माई मेरे पैर कटे हुए हैं। वो कहा, हाथ फैला ताकि मैं तुझे भीख दूं। कहा, मेरे हाथ भी कटे हुए हैं। वो कहा, तू ना महरम है, अजनबी है, मैं तेरे सामने कैसे आ सकती हूँ? तो इन्होंने कहा, माई मेरी आंखें भी कटी हुई है। तो माँ बाहर निकल के आई, देखा तो बेटा कटा हुआ, हाथ पैर कटे हुए, आँख कटी हुई। बेटे को देखकर चीख पड़ी, मेरे लाल तेरा क्या ये हाल हुआ? तो रोकर कहते, अम्मी तेरी नाफरमानी करते हुए काबा जा रहा था, अल्लाह ने मेरा ये अंजाम किया। अल्लाह अकबर, माँ से रहा ना गया, माँ ने हाथ उठा दिए। अल्लाह ये गम ना मैं देख सकती हूँ, ना मेरे बेटे बेटा ये तकलीफ सह सकता है। मौला मेरी दुआ है, इसको भी उठा ले, मुझे भी उठा ले। उसी वक्त दोनों की रूह निकल गई। आपसे पूछना चाहता हूँ, माँ बाप को छोड़ करके घर बसाने वालों, माँ को छोड़कर माँ की नाफरमानी करके अल्लाह का घर जाने वाला खुशी नहीं पाता, माँ बाप को छोड़ करके नई दुनिया बसाने वाला कैसे खुशी पा सकता है? इसलिए मेरे आका फरमाते हैं, शबे बरात में भी माँ बाप के नाफरमान की मगफिरत नहीं होती। अपने माँ बाप का अदब करो। आप तो मसलक के आला हजरत का, मसलक के आला हजरत का बहुत नारा लगाते हैं। क्या मसलक के आला हजरत एक दो चीज का नाम है? आइए मसलक के आला हजरत का एक और गुलदस्ता मैं आपको पेश करूँ।